नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 को लेकर विद्यार्थियों को एक ही महत्वपूर्ण राहत भरी खबर हम लेके आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी को इसे भर्ती से संबंधित अवगत करवाया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पूरी जानकारी क्या है। विद्यार्थियों के मन में लगातार यही एक सवाल है कि सर कब तक मिलेगी ज्वाइनिंग, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरी जानकारी क्या है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि बांदीकुई के लोकप्रिय विधायक आदरणीय जी आर खटाना जी ने पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 को पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। पंचायत राज एलडीसी प्रारंभ हो, बांदीकुई क्षेत्रीय विधायक गजराज खटाना ने मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी को ज्ञापन भेजकर वर्ष 2013 की पंचायती राज एलडीसी भर्ती प्रारंभ करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 की पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 को पूर्ण करना कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का मुख्य मुद्दा था, जिसके कारण प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं एवं महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिकों ने कांग्रेस पर विश्वास जताया। मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना में मार्च 2013 में इस भर्ती को प्रारंभ करने के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा 15 दिन में भर्ती पूर्ण किए जाने का कैलेंडर जारी किया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में आचार संहिता की वजह से भर्ती प्रारंभ नहीं हो पाई। प्रदेश के कई कांग्रेस विधायक इसको लेकर आए दिन बेरोजगार एवं संविदा कार्मिकों द्वारा ज्ञापन देकर उक्त भर्ती पूर्ण करने का आग्रह किया जाता है। इस कारण विधायकों को असहज महसूस हो रहा है। ऐसे में पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 को शीघ्र प्रारंभ कराई जाए। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 को प्रारंभ करने के लिए विधायक गजराज जी खटाना ने मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को ज्ञापन दिया है और जल्द से जल्द इस भर्ती को पूर्ण करने की मांग की है। दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।